हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 20 मार्च का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो डाले तो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन था राइटर ऑफ श्रीलंका नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल सॉन्ग श्रीलंका का कौन लिखा है? तो आनंदा सामरोकून। ठीक है, ये नेशनल सॉन्ग पूछ लिया आज श्रीलंका का। तो अब आपको नेपाल और भूटान का नेशनल सॉन्ग पूछ सकता है। तो नेपाल के लिए जो थे वो थे प्रदीप कुमार राय अलियास विकुल मिला। तो ये देख लीजिएगा नेपाल का, और भूटान का नेशनल सॉन्ग आप देख लीजिए, क्योंकि ये अगर श्रीलंका का पूछ लिया गया तो नेपाल और भूटान का भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ऑड, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा में से कौन ऑड होगा? तो ये नर्मदा होगा। नर्मदा और तापी जो है वो अरबियन सी में गिरती हैं, बाकी सब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। नंदलाल बोस रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बजट कितना है? तो 200 करोड़ दिया गया है 2017 और 2018 के लिए। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉर्ड लैंसडोन, ये क्वेश्चन नहीं पता चला, मगर अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूरी तरह से लिखना ना भूले, ताकि दूसरे को हेल्प मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 73 अमेंडमेंट? देखिए, 73 अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन आ चुका है, फिर आज आया है 73 अमेंडमेंट 1992 में आया था, और ये पार्ट 9th में है। इसका आर्टिकल 243 और 243 ओ है, और 11th शेड्यूल में है, और 29 सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया? तो इसमें स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। ब्लड इज अ टिश्यू ऑफ विच टाइप? ये लिक्विड तरल, तरल बोलते हैं इसको, लिक्विड तरल टाइप का है। देखिए, आर गिवेन है, टी और आई गिवेन है, और फाइंड एच करना है। तो एच बराबर होता है आई आर टी स्क्वायर। क्या होता है? एच बराबर आई आर टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आई आर टी स्क्वायर, आई आपको दिया है, टी दिया हुआ, आर के बाद एच निकाल दीजिएगा, ये हीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड? तो देखिए, अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अब ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पता नहीं चला है कि इसमें से क्या पूछना चाह रहा है, तो ये भी एक तरह से देख लीजिएगा कंपाउंड पर क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन गैस? तो ग्रीन गैस बहुत बहुत सारा होता है, जैसे कि होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको चुनना होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख ग्रीन हाउस गैसेस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू टूथ डेट हेल्प इन इट्स फॉर्मेशन। देखिए, एक क्वेश्चन था कि दांत को बनने में किस चीज का मदद चाहिए, तो वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का चाहिए। ये भी SSC का पीछे का क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, देखिए सीटी स्कैन, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चला, मगर सीटी स्कैन जो होता है वो एक्सरे से होता है, और वो जो पूरे बॉडी का एक्सरे होता है उसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। साइनो पूछा गया इंग्लिश में, लिम्बर का साइनो होता है जो फ्लेक्सीबल हो, और ये सारा है एगाइल, ग्रेसफुल, सप्ली, लिम्बर। देखिए लिम्बर है इसमें, ये सारे इसके साइनो हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मदर ट्रेसा अवार्ड 2017, देखिए ये शिफ्ट वन का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन शिफ्ट वन में छूट गया उसको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। मदर ट्रेसा अवार्ड 2017 की UNHCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसको मदर ट्रेसा अवार्ड मिला। और प्रियंका चोपड़ा को भी मदर ट्रेसा अवार्ड दिया गया है इस साल। क्लोरिनेशन इज डन बाई एडिंग, अब देखिए जो भी क्लोरिनेशन डन होता है उसमें क्लोरीन का कोई ना कोई कंपाउंड होता है जिसको मिक्स करके होता है, तो वो ऑप्शन के अनुसार आप टिक कर सकते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रोल बोर्ड, ये 15 दिन का वैलिडिटी होता है। इन विच कंट्री पोप ऑफ फ्रांस गिव लेक्चर ऑन पीस, तो देखिए ये करेंट का क्वेश्चन हो गया 2017 का, तो ये किस किस कॉन्टेस्ट में पूछा है या क्या ऑप्शन है उसके अनुसार ही इसको आंसर मारा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आप देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेंट्री मसल्स, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? वॉलेंट्री मसल्स वो होता है जो आपके बस में नहीं हो, जैसे पलक झपकाना, ये वॉलेंट्री मसल, दिल का धड़कना वॉलेंट्री मसल्स हो गया, जो आपके कंट्रोल में नहीं हो। तो वो चार ऑप्शन दिया होगा, उसमें से चुनना होगा। नेम द फर्स्ट प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हो गया LPG सब्सिडी। कौन से देश ने वहां की महिलाओं पर प्रतिबंध हटा दिया, देखिए ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये हो गया
सऊदी अरब 2017 में ये किया है, जो प्रिंस सलमान बने हैं तो उन्होंने ये प्रतिबंध को हटाया है और पहली बार लड़कियों को फील्ड में खेलने के लिए इजाज़त दिया गया था। तो ये भी करेंट का क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।